ब्लैकबक क्या ये सारे मतलब मरेवेन के ऊपर जो खाल है ना जो चमड़ी है वो उनकी चढ़ाई हुई रियल वालों की। ऐसे करके यहाँ से लाइट ऑन करते हैं। सो है गाइज इट्स फाइन एंड वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। अरे कैसे गाइज आई होप आप सब मस्त हो गए जबरदस्त हो गए। तो करते हैं आज का न्यू व्लॉग स्टार्ट आपके साथ। सो गाइज आज का कुछ सीन ये है कि आज है हमारे साथ स्वामी जी, जैसे कि आपको पता ही है। अभी इसको मैं लेके जा रहा हूँ म्यूजियम दिखाने, जो कि है हमारे पुराने वाले स्कूल में, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था SKM में। अभी ये हमारे छोटे भाई हैं जो कि पंगे ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये हमारे मैसी है। हाई बोल नहीं बोलना ना है पर आजा कुड़ी जीना होवे ता हाय बोल उसको उसको हाय 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 हेलो 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 कह दे हेलो तेरी। तो अभी मैं इसको लेके जा रहा हूँ म्यूजियम, जो मेरे वाले स्कूल में था, जो पुराने स्कूल में जिसमें मैं पढ़ता था। PG से लेके 12th तक मैंने वहाँ पे किया SKM पब्लिक स्कूल में। तो वहीं चलते हैं इसको लेके जाते हैं और मेरे वाला स्कूल भी दिखाएंगे इसको। और मेरे साथ आ रहा है एक दोस्त अपना पीयूष और मैक्सी। टाटा कह दे टाटा अल्लाह पाजी की। चलो गाइस चलते हैं। अभी गाइस सोमी भाई कैसा लग रहा है आपको? गाइस हम जा रहे हैं म्यूजियम। ये तो ऐसे क्यों बोलते गाइस हम जा रहे हैं म्यूजियम? थोड़ा भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? कॉन्फिडेंस के साथ फ्लो बनता है ना। नहीं थोड़ा फ्लो के साथ बोलो और बढ़िया बोलो तरीके से। ओके जिसके हिसाब से वाइब भी बने। वैसे गाइस हम जा रहे हैं म्यूजियम, आओ दिखाते हैं आपको क्या हम देखते हैं वहाँ पे। मूर्तियाँ क्या होता है भाई म्यूजियम में? दिखाऊंगा जो भी है वहाँ पे, आपको दिखाएंगे एंटिक चीज़ें वहाँ पे बहुत पुराने वाली। जैसे कि अभी यहाँ पे स्वामी जी थे हमारे, एक स्वामी केशवानंद जी, तो उन्होंने सारी संस्था वगैरह बनाई थी है, जिसके अंदर आते हैं SKM पब्लिक स्कूल और ये जो भी प्राइवेट स्कूल हमारा और ग्रामोत्थान विद्यापीठ जो स्कूल है उधर वो, और GV स्कूल आता है, एक GV कॉलेज आता है, तो SK डिग्री कहते हैं जिसको हम। तो सारा कुछ मैं कॉलेज भी दिखा सकता हूँ आपको वैसे, बट व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अभी अपन हमारा स्कूल कवर करेंगे इस व्लॉग में और करेंगे म्यूजियम कवर। तो चलते हैं जल्दी से। सो गाइस ये देखो ये हमारे दोस्त जी मिल चुके हैं पीयूष। अरे ये भाग क्यों रहा है व्लॉग से? इधर आओ जरा थोड़ा। हाँ हाँ ले लो भाई। भाई की हाइट देखो कितनी बढ़ चुकी है और मोटा भी कितना हो गया। पेट वगैरह पेट वगैरह देखो इसका। ये देख ये भाई है गंगानगर से, जिसके बारे में बता रहा था। हाँ तो मिला ले अबे मिला है था ले व्लॉग में नहीं है ना। तो चलते हैं, म्यूजियम खुला होगा ना? हाँ खुला होगा। भाग क्यों रहा है तू व्लॉग से? अंदर आ इधर आइए थोड़ा बैठिए यहाँ पे और फिर चलते हैं अपन। आज क्या खिला रही है बता? कौन खिला रहा है? तू खिलाए कौन सारा करके तू ही खिला रहा है सारा करके। मैं करने वाला बैठिए आप थोड़ा जरा। नहीं नहीं बंद नहीं करना ना, ये स्टार्ट रहेगा थोड़ा। तू बोला कर इतना, वो क्यों होता है यार, नर्वस क्यों होता है? सो गाइस स्कूल के अंदर अपन एंटर कर चुके हैं और ये भागते रह गए। ये कभी व्लॉग में नहीं आता मेरे को पता है, ये कभी बंदे सपोर्ट नहीं कर सकते अपने को। सपोर्ट है? नहीं सपोर्ट नहीं है ना। अगर तू सपोर्ट करता तो वो भी करता ना। तो क्या करता मतलब बोलता भी व्लॉग के अंदर कंटेंट लाता। अरे ले आएंगे तो अभी चलते अपन म्यूजियम में। सो गाइस अभी अपन आ चुके हैं म्यूजियम के अंदर, एंटर कर चुके हैं। और ये जैसे कि इनको पता ही है फोन इधर दे फोन इसका भाई फोन मेरे पास ही रखना। स्नैपचैट नहीं, ये स्नैपचैट नहीं था, ये टेलीग्राम था। अच्छा हाँ। तो गाइस मेरा गुस्सा बहुत आता है इस पर कि इसको मैं दिखाने लगा और ये फ़ोन पे लगा। गाइस हम म्यूजियम में आ गए हैं, देखो हमारा म्यूजियम। हमारा म्यूजियम सो गाइस ये देखो, ये सारे मतलब एंटिक्स हैं, यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह लगी हुई है। तो थोड़ी थोड़ी मैं आपको सिनेमैटिक क्लिप्स दिखाता हूँ। गाइस ये है अंग्रेजों की छतरियाँ, ये क्या फानूस, ये क्या होता है भाई फानूस? गाइस इधर देखो यहाँ पे जो स्विचेस है ना वो भी पुराने टाइम की है। देखो ऐसे करके यहाँ से लाइट ऑन करती है, फैन वगैरह ऑन होते हैं, सारी तस्वीरें हैं। ये जी ये हमारा है भारत, पुराने भारत का नक्शा है यहाँ पे, पुराने भारत का। नया ही है? हाँ तो ये तो नया ही है पता है, ये तो अभी ब्लैक बक क्या ये कृष्ण मुर्ग हिरण जैसा ना ये तो?
गाइस ये देखो ये है फॉक्स लोमड़ी, ये सारे मतलब मरे हुए इनके ऊपर जो खाल है ना, जो चमड़ी है वो उनकी चढ़ाई हुई है रियल वालों की, वो मॉडल वगैरह बनाए हुए हैं। ये नेवला, ये है शेर, टाइगर, टाइगर को आप बाघ कहते हैं ना, बाघ, इसका तो कहानी उतार रखा है। चील, ईगल, ईगल, तितर, ओ भाई खरगोश तो बड़े ही बहुत बना रखा है इन्होंने, बड़ा ही है। गाइस ये देखो आपको एक चीज इधर आओ, ये देखो इसकी आंख देखो भाई साहब कैसे लग, भाई बता तो दे है कौन, मेरे को भी नहीं पता, गांधी जी लग रहे हैं मेरे को भी, मोडे तो का तो हथ रखे हाथ थल, भाई बिल्कुल इज्जत नहीं कर रहे ला। यार ये व्लॉग में कैसे डालूंगा ये बता पहले, है बिल्कुल इज्जत नहीं कर रहे थे, ऐसे नहीं करना होता भाई, भाई ऐसे नहीं करना होता, थोड़ा शर्म किया करो। गाइस अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये तो शेर की फोटो लगी है, ये देखो इंसानी स्कल खोपड़ियाँ, और तेरे अंदर आ है क्या कि है नहीं का, तेरे अंदर डैमेज है मेरे दादा, नहीं भाई ये चीज़ इसके अंदर डैमेज है, और ये क्या भाई सुअर है क्या, ये वो भी सुअर है, वो इसके अंदर एक नाग वगैरह भी थे ना, ये सांप है, गाइस सांप देखो, सांप पहले मेरे को पता क्या लगता था, जो इसके नीचे दो ये है ना, ओए बात तो सुन, ओ इधर आ, पता मेरे को पहले क्या लगता था, जो इसके नौ दो नीचे जो जैसे वो है ब्लैक वाला डॉट, ये इसकी आँखियाँ, जब छोटे जब छोटे शाबाश, अबे ऊपर आँखें हैं भाई, तेरे पता ही नहीं क्या, पागल है क्या, ये आँखी है वो देख साइड में, हाँ क्या आँखी नहीं होती, वाह शाबाश, तुम मेरे से भी चढ़ती कलाओ तुम, ये रो ये सांप, ये रे सांप, ये सांप है गाइस, ये तो नेवल है, और इसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे चिंटी खोर, और ये रोल हो जाता है बिल्कुल, है ना, ये देखो एक असली बिल्ली असली है, ये भाई खाना उतारी हुई है ना, नहीं है अरे भाई केमिकल होता है वो डालते हैं उसके अंदर, तो ऐसा हो जाता है भाई साहब, वो ये असली है, ये तो असली लग नहीं रहा, राजस्थान की पगड़ियां, तो गाइस सोमेश जी को हमने सब कुछ दिखा दिया, म्यूज़ियम दिखा दिया, और इधर मंदिर भी ले गए जो सोमेश जी का, और कैसा लगा म्यूज़ियम बताओ कैसा लगा, बढ़िया था गाइस बढ़िया, और अभी ये देखो ये हमारे पास जो पार्क दिख रहा है ना तेरे को, ये सारे थे इनमें हम खेलते थे लोग, क्या वो मुक्के मारने वाले क्या होता था वे, जंजीर खेलते थे, और क्या था बर्फ़ पानी, सब कुछ यहीं खेलते थे यार, साढ़ा स्कारस, ओए वो भी ख़त्म कर दिया यहाँ पे, खो खो ग्राउंड भी ख़त्म कर दिया, ये खो खो ग्राउंड होता था यहाँ पे पहले सारा, और इधर यहाँ पे मतलब डिग्गी होती थी पहले संगरिया में ना, जैसे पानी नहीं आता था तो यहाँ पे सारा वो डिग्गी बनी हुई थी, उसके अंदर पानी इकट्ठा होता था बारिश का, वो भी ख़त्म कर दिया यहाँ से, मतलब सब बहुत कुछ बदल दिया स्कूल में, और अभी स्वामी कह रहा भाई तुम्हारा बहुत बढ़िया स्कूल था, हमारे टाइम भाई बहुत मतलब क्या बताएं बहुत कुछ था, ये हमारी होती थी ट्वेल्थ क्लास ये वाली, अभी तो ये फिफ्थ बना दिया ना, जैसे ये ट्वेल्थ क्लास होती थी सारी हमारी, और इस रूम में हम ऐसे चले जाते थे सोने के लिए, रूम जैसे क्लास चल रही होती थी यहाँ पे सो जाते थे, और इधर जैसे ये बैकग्राउंड है यहाँ पे कूद के जाते थे इसके ऊपर से, और यहाँ पे पेन वगैरह मिलते थे, डस्टर वगैरह यहाँ पे पड़े होते थे उठा लाते थे जब छोटे थे 8th 9th में, तो हम जा रहे हैं घर को,
नहीं हजे 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 नहीं आ रहे करें घर पे अभी मतलब थोड़ा आपको ब्लड टेस्ट के लिए करेंगे ये हमारी क्लासेज होती थी ठीक है ये नाइन्थ क्लास थी हमारी ये नाइन्थ थी नाइन्थ बी नाइन्थ ए नाइन्थ सी इधर वो सारी लड़कियों की क्लास होती थी नाइन्थ और इधर ये हमारी एक बॉयज़ की क्लास थी एक उधर बॉयज़ की क्लास थी यहाँ पे फाइट तो हाँ क्या बता रहा था मैं ये जैसे लड़कियों की क्लास होती थी ये हमारी क्लास होती थी तो यहाँ पे चलती थी फाइट तगड़े वाली इधर से ये गाना गाते थे लड़कियाँ और इधर से हम गाना गाते थे ऐमें उन्दा उन्दा से थे और लाइक पता ही क्या होता था लड़कियाँ चढ़ाती इधर से हमें चढ़ाती इधर से हम पंगे लेते थे भाई बहुत पंगे लेते थे लड़कियाँ उस क्लास में थे लड़कियाँ लाइक नाइन्थ क्लास के तीन सेक्शन थे ए बी सी तो बी सेक्शन में हम थे ए सेक्शन में लड़कियाँ थी सी सेक्शन में दूसरे बॉयज़ थे भाई बहुत पंगे लिए भाई ये देखो ये सारी क्लास थी नाइन्थ बी हमारे भाई दिन तू बता दे तेरे मज़े नहीं आए थे क्या टेंथ में नाइन टेंथ में मज़े नहीं आए लगी नहीं हमारी एट्थ से लगी तेरी एट्थ तक कोरोना अच्छा तो एट्थ में तो मज़े आए थे हाँ भाई नाइन टेंथ में हमें मज़े आए थे इलेवन ट्वेल्थ में जमा ही ख़राब हो गया था काम कोरोना ये देखो